अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ताबेश और आप लोग देख रहे हैं द इन्वेंशन लैब। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एड लिंक फ्लाई की सेटिंग्स के पैनल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग उसको इंस्टॉल वगैरह कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग पार्ट बनाया हुआ है। पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर आप लोगों को वो चीज़ें समझा चुका हूँ मैं। अगर आप लोगों को नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उसकी उस सेटिंग्स वगैरह बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों के लिए दोस्तों एड लिंक फ्लाई का लेटेस्ट वर्जन लेके आया हूँ। मैंने जो पहले पार्ट्स बनाए थे उसमें जो वर्जन चल रहा था वो 5.3.2 था, लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए आज वर्जन लेके आया वो है 6.3.0, जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक और बार बता दूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड तो कर सकते हैं एडिंग फ्लाई की स्क्रिप्ट को, लेकिन उस पर व्यूज़ काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो नल्ड है। आप लोग हर जगह सर्च करने आप लोगों को एडिंग फ्लाई की वो स्क्रिप्ट मिल ही नहीं सकती, आप लोगों को बाय करनी पड़ती है जिसके ऊपर व्यूज जो है ना काउंट होते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों ने इस तरह की अपनी वेबसाइट बनाई थी दोस्तों, ये दोस्तों मेरी वेबसाइट नहीं है, ये मैंने एडिंग फ्लाई का जो है ना एक डेमो पैनल खोला है, इसलिए मैं इस वेबसाइट का नाम चेंज नहीं कर सकता। मुझे खुद के बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने इस तरह से सुकर दिया, लेकिन मैं यहाँ पर भी आप लोगों को वही चीज़ें समझा दूंगा जो मैं उधर समझा रहा था। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 17 टोटल व्यूज़ हैं, और जब यूज़र जो है ना आप लोग की वेबसाइट पर लिंक शॉर्ट करते हैं तो आप लोग ऑल लिंक्स पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर वो सारे लिंक्स आ सकते हैं। अगर आप लोग उनको चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना उनको चेंज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। आप लोग इनको बैन भी कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। पे आउट डेट मैंने आप लोगों को सेट करना जो है ना दोस्तों सिखा देता है, फिर से बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना बैनर पर जाना है, और बैनर पे दोस्तों जाने के बाद यहाँ पर ये सारे प्राइजेज लिखे हुए हैं, आप लोग जिस भी कंट्री के जो भी प्राइस रखना चाहते हैं आप लोग वो रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर 0.6 वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, मैं कनाडा के जैसे कि मैं लिख देता हूँ $5, और मोबाइल टैबलेट के आप लोग जितने रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल टैबलेट का ना दोस्तों लोग जो है ना वो चीटिंग करते हैं, VPN यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसके प्राइस जो है ना कम ही रखें ताकि आप लोग अभी ज़्यादा लॉस नहीं हो। ये करने के बाद आप लोग एंटर करेंगे तो दोस्तों ये प्राइस आपके अपडेट हो जाएंगे और फिर आप लोग जो है ना चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेमो मोड इसलिए मैं इनको बढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन आप लोग इसको जब डिस्क्रिप्शन से स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके अपलोड करेंगे तो आप लोग ये कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए अंदर आप लोग लिस्ट पे जाएंगे तो आप लोग जितने भी यूज़र विड्रॉ लगाते हैं ना, यानी कि वो विड्रॉ के लिए अपील देते हैं, तो यहाँ पर लिखा आता है, फिलहाल तो मेरे पास किसी ने भी नहीं किया इसलिए नहीं लिखा आ रहा। आप लोग उनको विड्रॉ सेंड करने के बाद अप्रूव पे क्लिक करना है और उनकी जो पेमेंट है वो अप्रूव हो जाएगी। यूज़र्स के अंदर जाएंगे तो लिस्ट के अंदर यहाँ पर सारे आप लोग के यूज़र्स दोस्तों लिखे आएंगे कि कौन कौन इनका यूज़र्स है, और आप लोग उसको बैन भी कर सकते हैं वगैरह, आप लोग उसको सेंड भी कर सकते हैं मैसेज वगैरह। मेंबरशिप के अंदर दोस्तों आप लोग लिस्ट पे जाएंगे ना अगर, तो मेंबरशिप प्लान दोस्तों कहलाता है ये जो आप लोगों को नीचे दिख रहा है ना चेंज योर प्लान और करंट प्लान वगैरह एक्सपायरेशन डेट, ये मेंबरशिप प्लान है, इससे भी आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। कि आप लोगों को बोले कि आप लोग जो है ना फ्री में अर्निंग नहीं करें, आप लोग हमसे एक जो है ना प्लान परचेस करें प्रोफेशनल वाला, ये हम आपको $30 में देंगे, इसके अंदर हर चीज़ होगी, आप लोग अपनी वेबसाइट की स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, CPM एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, तो इसमें आपका भी फायदा होगा और यूज़र का भी फायदा होगा। फिर अगर हम लोग ब्लॉग पे जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग जैसे पोस्ट लिस्ट के अंदर एक चीज़ आएगी, यहाँ पर आप दोस्तों ब्लॉग होता है कि जब भी आप लोग कोई शॉर्ट लिंक ओपन होता है तो वहाँ पर कोई पोस्ट लिखी होती है, वो पोस्ट आप लोगों को ऐड करने के लिए ये ऐड पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग अपनी सारी चीज़ें वगैरह डाल सकते हैं और फिर ये जो पोस्ट है वो ऐड हो जाएगी। पेजेस के अंदर जाके आप लोग लिस्ट पे दोस्तों जाएंगे तो आप लोग सामने देख सकते हैं सारे पेजेस आ गए। अगर आप लोग कोई पेज ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड वाले बटन में क्लिक करके आप लोग पेज ऐड भी कर सकते हैं, इनमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इनको सिंपली क्लिक करके जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स के अंदर दोस्तों आप लोग अगर लिस्ट पे जाते हैं तो टेस्टिमोनियल्स ये होता है कि लोगों के रिव्यू जो है ना देते हैं लोग, तो अगर आप लोग टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड पे क्लिक करके उस बंदे का नाम, पोजीशन, एडमिन है तो एडमिन, नहीं तो यूज़र है तो यूज़र डाल दें, इमेज उसकी डालनी ज़रूरी है वरना कॉन्टेंट पब्लिश नहीं होगा, और फिर यहाँ पर लिख देना है, इससे आप लोगों को आप लोग थोड़ी प्रमोशन वगैरह हो जाएगी। अनाउंसमेंट के लिए आप लोग लिस्ट पे जाएंगे तो दोस्तों अनाउंसमेंट ये होती है कि आप लोग अपने यूज़र से कोई नई बात बताना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आप जैसे एक अनाउंसमेंट जो है ना लिखी हुई है, मैं अभी फिलहाल अनाउंसमेंट ऐड नहीं कर सकता क्योंकि डेमो मोड है, लेकिन आप लोग जो है ना इस पर जाके जो है वो कर सकते हैं। फिर हम आते हैं मेन्यू मैनेजर के अंदर, यहाँ पर दोस्तों ये मेन मेन्यू है, शॉर्ट लिंक, पेज मेन्यू है, फुटर मेन्यू है, ये सारे आप लोग यहाँ पर से भी जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। एडवांस के अंदर आकर अगर आप लोग स्टैटिस्टिक टेबल पर जाते हैं दोस्तों तो ये पूरा एक जो है ना आपकी एक रैंडम एडवर्टाइजिंग टाइप है जिसके अंदर आपकी सब कुछ चीज़ें आप लोग जो है ना इनको चेंज वगैरह कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर तो ये हमारी मेन चीज़ आती है,
हम सेटिंग में जाकर दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, वेबसाइट का नाम कैसे चेंज करना है। एड्स के अंदर जाकर दोस्तों ऐड के अंदर मेंबर एरिया ऐड का आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कैप्चा ऐड के अंदर आप लोग यहाँ पर अपनी कैप्चा ऐड डालनी है, बिलो कैप्चा ऐड यहाँ पर डालनी है, ये इंटरस्टीशियल वाली ऐड डालनी है, और अगर आप लोग इंटरस्टीशियल यहाँ पर भी डालनी है, अगर आप दोस्तों पॉपअप ऐड लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना प्रोपेरल एड्स पर जाना है। वो मैं आप लोगों को अगले पार्ट बताऊंगा कि आप लोगों ने एड्स वगैरह कहाँ से लेनी है और फिर वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देनी है, तो आप लोग का जो है ना वो पॉपअप ऐड भी आ जाएगी, उससे भी आप लोग की अर्निंग होगी। विड्रॉ करने के अनुसार जैसे ही विड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है ना इसके अंदर अपना खुद का अगर कोई कस्टम विड्रॉल मेथड ऐड करना चाहते हो तो आप लोग को जो है ना कर सकते हैं, और इनकी सेटिंग भी चेंज करने की कौन सा विड्रॉल मेथड किधर आएगा तो आप लोग की वो मर्जी है। इनेबल करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर सब कुछ चीज़ें लिख देनी और आप लोग जो है ना विड्रॉ इनेबल हो जाएगा आपके यूज़र्स के लिए। फिर यहाँ पर दोस्तों सेटिंग वगैरह तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था, तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को जो है ना अभी इसकी सारी सेटिंग वगैरह बता दी है दोस्तों यार। तो यार ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले पार्ट्स आने वाले वीडियोस की हर नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।